दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आतिफा काजी। इसराइल और अरब देशों की अदावत बेहद पुरानी है। ये अदावत न सिर्फ पुरानी है बल्कि तलखियों से भरी हुई है, और तलखियां इतनी ज्यादा हैं कि 1948 और 1967 में दो बार इसराइल और अरब देशों के बीच जंग हो चुकी है, और इस अदावत के करीब 7 दशक बाद भी इसराइल अरब रिश्ते अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे। अब सवाल है कि हम आपको आज ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने इसराइल और अरब देशों को करीब लाने के लिए एक पहल की थी, जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। इसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका में था, और उसके अलावा 3 देशों यानी इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इस समझौते पर दस्तखत किए। लेकिन इसराइल और अरब देशों के विवाद को सुलझाने की अमेरिका की कोशिश अब खटाई में पड़ती दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी साल जनवरी में इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सऊदी अरब की यात्रा रद्द कर दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में ईरान और सऊदी अरब के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि अरब और इसराइल के बीच फिर से दूरियां क्यों बढ़ने लगी हैं, और साथ ही ये जानेंगे कि इसके पीछे अरब देशों की अपनी क्या रणनीतियाँ हैं। हम तमाम सवालों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड को जरा समझ लेते हैं। असल में इसराइल के सबसे बड़े रणनीतिक पार्टनर अमेरिका ने अरब और इसराइल के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल शुरू की थी। ये पहल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते शुरू हुई थी। इसराइल और अरब देशों के रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में अहम मोड़ 2020 में आया। 7 दशकों के दुश्मनों के बीच बर्फ तब पिघली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल से अब्राहम अकॉर्ड की नींव डाली गई। इस समझौते में इसराइल के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी शामिल हुआ। बाद में मोरक्को और सूडान ने भी इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए, और इसराइल के साथ शांति बहाली और कूटनीतिक रिश्ते कायम करने पर राजी हुए। इस समझौते के दायरे में खाड़ी के बाकी देशों को भी लाने की योजना है, लेकिन अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। अब तक जो उम्मीद थी वो ये कि मुस्लिम देश भविष्य में इसकी छतरी तले आ जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद भी अब धूमिल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तब सवाल है कि ऐसा क्यों? तो आइए आपको पूरा समीकरण बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना होगा कि खाड़ी देशों के बीच एक लंबी लकीर खींची हुई थी। लकीर के एक ओर शिया मुस्लिम है तो दूसरी तरफ सुन्नी। शिया मुस्लिमों के नेता ईरान को सुन्नी देश अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, तो दूसरी तरफ ईरान इसराइल को अपना शत्रु मानता है। ऐसे में खाड़ी के मुस्लिम देश एक एक कर अमेरिका के कहने पर इसराइल से अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए थे। चूंकि अरब देशों को ईरान से खतरा था, इसलिए मुद्दा सुरक्षा का था। खाड़ी के देशों को लग रहा था कि अमेरिका ईरान का हल निकाल लेगा। ईरान पर अमेरिका की आर्थिक पाबंदी इसी का एक पहलू है। लेकिन अब मुद्दा बदल गया है। अब ऐतिहासिक दुश्मन देश ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अब अरब देश एक दूसरे से बेहतर रिश्ते बनाकर विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इन देशों का एजेंडा अब एकदम से पलट गया है। पहले नंबर पर विकास है, और सुरक्षा एक पायदान खिसक कर सेकेंडरी हो गया है। हालांकि इसकी आहट पिछले कुछ सालों के ट्रेंड से ही मिलने लगी थी। दरअसल पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश आपसी रस्साकशी को खत्म कर रहे हैं। साल 2021 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर के खिलाफ नाकेबंदी खत्म कर दी थी। यमन को लेकर सऊदी अरब का रुख बदल रहा है। तुर्की और यूएई भी आपसी मतभेद भुला चुके हैं। तुर्की के साथ सऊदी अरब के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। अब ईरान सऊदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो साफ ही कर दिया कि खाड़ी के देश मजबूती से विकास के एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की सऊदी यात्रा को कैंसिल करने के पीछे खाड़ी देशों की इसी रणनीति को वजह बताया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर ही इसराइल और अरब देशों के बीच अदावत है। इसराइल फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने का विरोध करता है, जबकि अरब देश 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू कट्टर दक्षिणपंथी नेता हैं। फिर से उनके प्रधानमंत्री बनने से अरब देशों को लगता है कि उनके रहते इस मसले का हल शायद ही निकल पाएगा। यही कारण है कि सऊदी अरब की यात्रा रद्द करने के बाद नेतन्याहू की यूएई यात्रा भी स्थगित कर दी गई। हालांकि हालिया घटनाक्रम को इसराइल में चल रहे आंदोलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
नेतन्याहू काफी दिनों से जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़े विरोध का सामना कर रहे हैं। राजधानी तेल अवीव में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर नेतन्याहू के सुधार प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस राजनीतिक उथल पुथल का असर इसराइल के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है। इस राजनीतिक संकट में नेतन्याहू का करियर दांव पर लगा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद अब्राहम समझौता के आगे बढ़ने की राह कठिन हो गई है, क्योंकि नेतन्याहू राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। हालांकि ये तमाम तर्क केवल शक आधारित कल्पनाएं हैं, क्योंकि असल वजह यही है कि पुरानी अदावत के चलते अरब देश इसराइल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका बड़ा सबूत ये है कि अब्राहम समझौते के वजूद में आए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने इस समझौते पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है, वरना सऊदी अरब भी समझौते पर दस्तखत कर चुका होता। अब स्थिति ये है कि ईरान अरब देशों के लिए खतरा नहीं है और अरब देशों पर अमेरिकी दबाव भी ज्यादा कारगर नहीं है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि ये तमाम समीकरण इसराइल के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल से समझौता करना अरब देशों के लिए कोई मजबूरी नहीं रह जाएगी। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। अब्राहम समझौते के नाकाम होने के पीछे क्या कारण है? परीक्षण कीजिए।